अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, सूरज जब मगरिब से निकलेगा तो उस वक्त क्या होगा और सूरज गुरूब होने के बाद कहां पर चला जाता है और सूरज मगरिब से क्यों निकलेगा और किस वक्त इंसान चाहता है कि वो ईमान लाए मगर उसका ईमान लाना मकबूल नहीं होता अगरचे वो कलमा पाक ही क्यों ना पढ़ ले। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि क्या लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या तेरा रब आए या फिर तेरे रब की कोई निशानी आ जाए। जिस दिन तेरे रब की कोई निशानी आएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान काम न आएगा जो पहले ईमान न लाया हो और इसने ईमान लाने के बाद कोई नेक काम ना किया हो। कह दो कि तुम इंतजार करो और हम भी इंतजार करने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुसनद अहमद में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजकूरा आयत से मुराद मगरिब से सूरज का तुलू होना है। और सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा, फिर इस हाल को देखकर सब लोग ईमान लाएंगे मगर ये वक्त ऐसा होगा कि जो पहले ईमान नहीं लाया इसका ईमान उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और इसी तरह से हदीसे पाक के अंदर आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है और इंसान की रूह निकलने की वजह से गरगरा पैदा होता है और ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त इंसान पर ज़मीन व आसमान की बादशाह और अल्लाह तबारक व तआला का पूरा निज़ाम और फरिश्ते जाहिर हो जाते हैं और उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि इस्लाम ही बरहक मजहब है, तो उस वक्त वो ईमान लाना चाहता है लेकिन उसका ईमान कबूल नहीं होता। जिस तरह से फिरौन ने जब गर्क होने को पाया तो कहने लगा कि मैं ईमान लाया मूसा और हारून अली सलाम के रब पर कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे, लेकिन फिरौन का उस वक्त का ईमान मोतबर ना हुआ क्योंकि वो अजाब इलाही फरिश्तों और अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत को देख चुका था और वो इस बात से वाकिफ हो चुका था कि अल्लाह तबारक व ताला बरहक है और मैं झूठा खुदा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से कबल बहुत सी अलामात के ज़हूर की पेशन गोई फरमाई है जिनमें चंद अलामात अमूमी हैं जिन्हें अलामात सूरा कहा जाता है और बाज़ गैर मामूली अलामात का जिक्र फरमाया है कि जिन्हें क़यामत की बड़ी निशानियाँ यानी अलामात कुबरा कहा जाता है। इन अलामत कुबरा में सूरज का मगरिब से तुलू होना भी है। इसकी कैफियत भी अहादीस मुबारक में बयान हुई है। चुनाचे इसके मुतालिक हजरत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि मगरिब से तुलू शम्स की क्या निशानी है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो रात तवील हो जाएगी और दो रातों के बराबर होगी। रात को नफल पढ़ने वाले बेदार होकर अपने मामूलात के काम को सर अंजाम देंगे मगर आसमान पर कोई सितारा दिखाई ना देगा, वो अपनी जगह पर सो जाएंगे। चुनाची ये लोग इसी तरह सोते रहेंगे और फिर सोकर उठेंगे और दोबारा नफल नमाज पढ़कर फिर सो जाएंगे और फिर उठकर दोबारा नमाज पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। चुनाची वो रात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो लोग चीखो पुकार करेंगे कि सुबह ना होगी और इसी दौरान जब सुबह होने का इंतजार कर रहे होंगे तो अचानक सूरज मशरिक से तुलू होने के बजाय मगरिब से तुलू होता नजर आएगा। जब लोग उसे देखेंगे तो ईमान लेकर आएंगे और तौबा करेंगे मगर उनका ईमान उनको उस वक्त फ़ायदा मंद ना होगा क्योंकि उससे पहले पहले ईमान का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। और हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जिसके अंदर वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जानते हो कि यह सूरज कहाँ जाता है, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज गुरूब होकर चला जाता है जहाँ तक के अपने ठहरने की जगह पर पहुँचता है जो कि अर्श के नीचे है, चुनाचे ये वहाँ पर जाकर सजदा करता है और इस सजदे का मफहूम अल्लाह तबारक बताला ही जानता है। फिर इसी हाल में रहता है यहाँ तक के इसको हुक्म होता है कि बुलंद हो जा और मशरक से तुलू हो कि जिस जगह से तू आया था, बस सूरज लौट आता है और मशरक के तुलू होने की जगह से तुलू होता है। चुनाचे फिर सूरज सारा दिन चलता रहता है यहाँ तक कि दिन गुजर जाता है और जब रात होती है तो सूरज फिर से अपने ठहरने की जगह
अर्श तले आता है और सजदा करता है और फिर इसी सजदे की हालत में रहता है, यहाँ तक कि इसे कहा जाता है कि मशरिक से बुलंद हो जा और लौट जा जहाँ से आया है। चुनाचे सूरज इसी तरह एक बार चला जाएगा और लोगों को इसकी चाल चलन के अंदर कोई फर्क मालूम ना होगा, यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह पर आएगा और अर्श की तले सजदा करेगा और इसी सजदे की हालत के अंदर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि ऐ सूरज ऊंचा हो जा और जाकर मगरिब से तुलू हो जिधर से तू डूबता था। चुनाचे वो सूरज वहां से चलेगा और मगरिब की जगह पर आएगा और सुबह के वक्त मगरिब से तुलू होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि ये कब होगा, यानी सूरज का मगरिब से तुलू होना कब होगा? ये उस वक्त होगा कि जिसके बाद ईमान का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा और ईमान लाने वाले को ईमान कुछ फायदा ना देगा और नेक काम करने वालों को भी उनके नेक काम कुछ फायदा ना देंगे, मगर वो लोग जो पहले ही मोमिन होंगे। इसके अलावा कयामत की एक अजीब निशानी ये है कि काबा शरीफ को तबाह कर दिया जाएगा, जैसे कि मुसनद अहमद में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हबशा का ज़ूसवीकतैन काबा को तबाह करेगा, इसका गिलाफ उतार लेगा और इसकी जीबो जीनत को खत्म कर देगा। गोया के मैं अभी भी इस गंजे और टेढ़े जोड़ वाले आदमी को देख रहा हूँ जो कि अपने हथौड़ों और कुदालों से उसे मार मार कर तोड़ रहा है। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया के मैं अभी भी इस काले और टेढ़ी टांगों वाले शख्स को काबा शरीफ की ईंट ईंट को तोड़ते हुए देख रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि कुर्बे कयामत में ये हादसा कब पेश आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से पहले या फिर उनकी वफात के बाद? चुनाचे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ये खराबी इस वक्त वाकई होगी जब लोगों के सीनों से कुरान और मसहफ शरीफ को उठा लिया जाएगा और ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौत के बाद होगा, और यही सही है, यानी बैतुल्लाह में अमन इस वक्त तक कायम रहेगा जब तक के ईमान वाले इस सरजमीन पर बाकी रहेंगे और उनके बाद जमीन से उन्हें उठा लिया जाएगा और हबशी बैतुल्लाह को उठा देगा। रिवायात में आता है कि क़यामत बदतरीन लोगों पर आएगी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में बुखल ज़्यादा होता जाएगा और ज़माने की सख्ती बढ़ जाएगी और क़यामत बदतरीन लोगों पर आएगी। सूरज का मगरिब से निकलना ये वो अलामत है कि जिनके बाद किसी की तौबा कबूल ना होगी और ना किसी का ईमान उसे फ़ायदा देगा। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौबा को कबूल फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और वही है जो अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है और गुनाहों को माफ़ करता है और जो कुछ तुम करते हो इसका पूरा इलम रखता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल फरमाएगा जब तक इस बंदे में मौत के आसार जाहिर ना हो जाए। हदीस पाक में आता है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त बंदे की तौबा को कबूल करता है जब तक कि वो जान कनी की हालत में ना चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के फितनों से बचाए और हमें अपनी मौत से पहले पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।